हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहा है सुबह का 10 और बाहर का मौसम दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। और बाहर तो हो रही है बहुत तेज, ज़्यादा तेज बारिश। और ये ना सुबह से ही हो रही है, मतलब थोड़ी देर रुकी थी 2-4 मिनट और फिर अच्छी बारिश हो रही है तेज। और लगता नहीं कि खुलेगा आज मौसम। शिवा इधर है, जूते पहनो और गो गो जूते लेके आ रखे हैं यहाँ पे। बारिश हो रही है, कहाँ जाऊंगा मैं बारिश में? वहाँ तो बारिश तो रुकने दे। क्या करने जाएंगे? शिवा ने इतना परेशान हो रहा ना, ये देखो नहाना है। इसने मेरा ना तब से ना इतना दिमाग खराब कर दिया, सागर गए हुए हैं कि माँ नहाई 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 नहाई। और मैंने अभी मालिश नहीं करी अपनी ठंडे की वजह से, क्योंकि ठंडा हो रहा था ना सुबह से, ठंडा ही हो रहा, बारिश ही हो रही तो ठंडा ही हो रहा है। और मालिश करती हूँ पहले, फिर गर्म पानी लगाऊंगी, गर्म पानी करूँगी, तो इसलिए इसको भी नहीं नहलाया। इसको तो बेचैनी हो रही। शिवा को ना कितना वेट करना पड़ा, आधा घंटा वेट करना पड़ा। क्या करना है दी? क्या क्या करना दीदी? दीदी क्या करेगी? नहीं नहीं करेगी दीदी। क्यों करेगी वो? उसको सुखाना मुश्किल हो जाएगा। चल नहा लिया है मैंने भी, जोत वगैरह जला ली थी, पूजा कर ली है। और बड़ा ना बेकार सा लगता है क्योंकि मैंने हमेशा ही ना मतलब सुबह जोत वगैरह जला के नहा करके, लेकिन लेट में जलानी पड़ती है, लेट में पूजा करनी पड़ती है। सुबह सुबह सही सा हो जाता है ना कि हाँ, कभी कभी तो कर लेती हूँ मैं, लेकिन कभी ठंडा था जैसे आज, हाथ पैरों में दर्द वगैरह, तबीयत का अपना। और देखो शिवा क्या कर रहा है, मैंने पूरा नहला के फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दे क्योंकि बाहर बारिश हो रही, ठंडा हो रहा ना। ठंडा ठंडा हाँ ठंडा। तो इसको ना दूध वगैरह पिलाते हैं। दूध कहाँ पे पियोगे आप? लेटो फिर, लेटी लेटी करो। तुई खेलता है ना इसके साथ ही। चल लेटो, लेटी करो ना, चलो लेटी करो। हाँ क्या देना? दूध देना। चढ़ रहा, कहाँ चढ़ रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लेके आता है यार ये लड़का ना। और ये देखो इतनी बारिश हुई थी सुबह, यहाँ सारा साफ करा, फिर बारिश हुई दोबारा, इतना हो गया यहाँ। तब भी मैंने दरवाज़ा खोला क्योंकि लाइट चले गई है उजाला। और मैं बना रही हूँ लौकी और की सब्ज़ी। एक आलू डाला मैंने शिवा के लिए, इसमें बिल्कुल सुखा दूंगी इसका पानी ना बिल्कुल सुखा दो। शिवा ना सुबह भी मतलब आज सोने में इसको बड़ी दिक्कत होती, पता नहीं क्या होता है। मैंने इसके ना पेट में ना हींग लगा ली थी सुबह उठते ही, और अभी मैंने इसके हींग लगाई तो थोड़ा ना सही सा रह रहा है। पेट में हो रही होगी थोड़ा, जब तक गैस वूस का कुछ हो रहा होगा बच्चे का ना, इसलिए हींग लगा ली थी। अभी थोड़ा खेलने लगे, नहीं तो उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है 2 घंटे से, गोदी चढ़ रहा। हेलो दोस्तों, अभी आगे मैं घर पे, बज रहा है दिन का 2 बजने वाला है। शिवा तो सो रखा है और ये बना रही है खाना, रोटी बना रही है। क्या बना रखा खाने में? लौकी सब्जी। बाहर तो बारिश हो रही है अभी भी हल्की हल्की, सुबह से ही बारिश ही हो रही है। लगी थी। अच्छा उधर भी भेज देती थोड़ी, यहाँ मेरे कपड़े नहीं सूखे, वहाँ भी भेजती ना। शिवा के नए नए शूज आ गए। कल आए थे पर ये दिखा हम आज रहे आप लोगों को। शिवा नोने है, देख शिवा मैं पहन लूँ शूज? मैं मुझे दे जूतों से ना पूरा लगा रहा है तो तेरे पे गया है। सागर को भी ना जूतों का बड़ा शौक है। एक तू ले, एक मैं ले रहा। अरे ये ना ये ना सेम पहले वाले सूज की तरह मंगवाए हमने ना। हाँ क्योंकि अच्छे हैं वो, छोटे पर छोटे हो गए थे ना वो छोटे हो गए, ऐसे पड़े हुए हैं वो पर छोटे हो गए।
यही मंगवाए फिर यही बात। इसी अगर छोटा बच्चा हो तो हमारे से संपर्क कर सकते हो। सेवा बड़ा हो गया, 7-8 महीने का, 7-8 महीने का है ना, 7-8 महीने का तो आए रहे। दिखाते शिवा, शूज दिखाते। सागर बोल रहा ना शिवा को, शिवा पापा को दे दो शूज, तू भी तो पहनता है पापा के। उठ गया है शिवा, पता कब सोया था ये? 2 बजे सोया था शायद, 4:15 बज गया लगभग, 3:30 बजे उठ गया था। अरे नीचे चलूं जब जलेगी वो। हाँ नीचे। ओए होए देखो थोड़ा सा ना बड़ा है, क्योंकि सर्दियों में ना सही सा, सर्दियों में सोक्स आती ना मोटी वाली, उनके साथ सही हो जाएगा। फिर एक एक क्या दो दो ही पहनानी पड़ती है। वो वाले जूते कितना पहना है? 2-2.5 महीना पहना है ज्यादा। बच्चों के ना ऐसे हो जाते हैं, देख रहा हूं से एक बार जल्दी वही नहीं जल्दी चलेगा, जब भी तो चलेगी दोनों। हिट हिट करो, बड़ा शौक है जूतों के, सेम सागर पे गया भाई। जल रही ना, कल तो मेरे को लग रहा सागर मैं सो गई थी और ये ऐसे सो गया था, मतलब इन्हीं को पहन के सो गया था, फिर मैंने उतारे इसके। हाँ मैं, मेरे को ना नींद आ गई थी कल, मैं बहुत थक गई थी। सागर ना ऐसे ही करता है, जब सागर के मन की होती है ना सब कुछ ना वो करके मिले काम बढ़ा के चले जाता है हमेशा। तो शिवा को ना सोच निकाल के दिए थे ना, और देखो उनके पीछे पड़ा हुआ है, कभी मेरे पीछे लगा रहा है, 5 बज गया शाम का, उसी के पीछे पड़ा हुआ है कि ये क्यों नहीं जल रहा, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर हाँ पापा भेज दो पापा के साथ, आपको भेज दो। देखो देखो ये ऐसे काम करता है, एक थप्पड़ मारूंगी ना बेटा तेरे को, करो पिटाई तेरी। तो देखो ऐसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो, निकलते हो। लेट गया वो भी थक के, क्योंकि 1 घंटा हो गया उसको इन जूतों पे लगे हुए। मैं तब से देख रही कब से, कभी उसकी लाइट जला रही, कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही। क्या हो गया हाँ? पहन लूँ मैं शूज, पहन लूँ? क्यों मैं पहन, मैं हमारे पहनता तू, हम नहीं पहन सकते तेरे, वो पीछे गिर जाएगा। देख 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 मेरे सूज ना पहने कोई, फेंक दो भाई, मन भर गया क्या? पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी हुई है। सूज कहाँ फेंके, सूज कहाँ फेंके? वहां पीछे फेंक दिया, क्यों फेंके? मैंने इनकी तह लगाई हुई थी कंबलों की। शाम का 6:30 बज गया है, तो थोड़ा ना यहीं बाहर पे ही ना पास में ही जा रहे हैं, कुछ मतलब काम है, 1-2 दिन से रुका हुआ है, तो वो काम करके आते हैं, कुछ सामान लेना है। हाँ रख दो पर्स में, क्यों निकाले आपने? कड़े पहन देती हो। वो आ रहा हूँ, बोला मैं चीज़ लेने आ रहा हूँ। वो चीज़ लेने आ रहा ना अभी, रख। क्या बोल रहे भैया, भैया क्या बोल रहे भैया? आ रहे तेरे लिए चीज लेके आएंगे। मौसम ना ओहो, गाड़ी आ रही, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। शिवा कौन है वो, कौन है पता? क्या बोल रहा तुझे भाई? कौन है? क्या बोला आपने मुझे? बोल भाई, बोला भाई, भाई बोला भाई। तो हम बाहर पे आ ही गए सामान लेने, में ना आटा लेने आ रखे ना, शिवा बोल रहा है डिर है, शिवा के मशीन ना हर डिर रही है। दीदी सामान ले रही है, शिवा ने ना पहली बार अविराज को भाई बोला। भाई फिर से बोल दे, क्यों भाई बोला? भाई बोला पहले, मूडी इंसान है। क्यों भाई बोला? सामान लेके आ गए हैं। टका टका
पूजा कर ली हमने, और मैंने उधर रखे हुए आलू बॉईल करने के लिए, आलू के पराठे बनाने हैं तो बॉईल हो रहे हैं। और इधर ये क्या कर रहा है, हैं? हाँ माँ, दीदी कहाँ, दीदी तो ये है, ये रही। हाँ दीदी की ड्रॉप डालेगा, कहाँ गई ड्रॉप? हाँ पापा क्यों डालेगा, चल कर आ जा। 9 बजे रात का, शिवा इधर कार्टून देख रहा है। क्या तुम इतना अच्छे क्यों होंगे? आलू के पराठे। तू इतना अच्छा क्यों है? तू बहुत गंदा है। सोच आजकल ये बोलने में बहुत डर लगता है ना कि तू इतना अच्छा क्यों है। आलू के पराठे, चाय, मक्खन, और शिव उधर बैठा हुआ खा रहा है आलू का पराठा, मक्खन और सॉस।